Na zdraví. Lukáš. Na zdraví. Čau. Čau. तो यार इस हॉस्टल में मैं रात को आ गया था। अब आप पूछोगे भाई कौन सी सिटी में हो। भाई यूरोप में आप इतनी जल्दी सिटीज चेंज करते हो पता ही नहीं चलता। मैं प्राग में हूँ, प्रॉब्ली माय फेवरेट सिटी इन यूरोप सो फार। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, देखना शुरू कर देंगे। प्राग क्यों कह रहा हूँ मेरी फेवरेट सिटी है भाई, मैं पहले भी जब आया था 4 साल पहले, मेरे को प्राग बहुत अच्छा लगा था। प्राग और बुडापेस्ट, इन दोनों में से मेरी कोई फेवरेट सिटी होगी। बट अभी प्राग में तो जहाँ के हो वहाँ के बन जाओ। प्राग इज़ माई फेवरेट सिटी इन यूरोप, ऐसा कुछ है। मैं भी यार ओल्ड टाउन की तरफ जा रहा हूँ। मैंने हॉस्टल बुक करा था रात को, वहाँ पे चेक इन कर लिया था। और प्राग में मेरे को सबसे सस्ता हॉस्टल मिला अभी तक का। सबसे सस्ता कितना है? 850 रुपये पर नाइट, करीबन 10 से 11 यूरो का पर नाइट का मेरे को पड़ा। और यहाँ पे यार फिर चेक क्राउन शुरू हो गए, इनकी खुद की करेंसी है यहाँ पे चेक क्राउन। हर जगह चेक क्राउन में पे कर सकते हो। हालांकि यार हॉस्टल्स होटल्स में यूरो भी ले लेते हैं, जैसे मेरे हॉस्टल ने यूरो ले लिए थे, बट यहाँ पे फिर चेक क्राउन कराने पड़ते हैं। मैं 15-20 यूरो एक्सचेंज करा लूँगा अभी, आज और कल के लिए निकल जाएंगे। मैं प्राग में भी 2 दिन ही हूँ यार। आप यूरोपियन सिटीज़ में 2-3 दिन ही रहते हो और बढ़ लेते हो आगे, बिकॉज़ मेरा काफ़ी लंबा प्लान है, नई नई कंट्रीज़ नई नई सिटीज़ भी देखनी है। प्राग मैंने इसलिए चूज़ करा था बिकॉज मेरे को प्राग से काफ़ी लगाव है जैसे पहले बताया, तो सोचा 2 दिन प्राग में बिता के चलते हैं। और भाई यहाँ पे ऐसे ना चेक रेस्टोरेंट्स हैं भाई, 12 बजे के करीब सुबह लोग बियर पी रहे हैं, 12 बजे सुबह बियर पी रहे हैं। और चेक रिपब्लिक में एक सेइंग है कि बियर इज़ चीपर देन वाटर, और ये सच है भाई, यहाँ पे लोग बहुत बियर पीते हैं। चेक रिपब्लिक, जर्मनी, बेल्जियम, इनकी खुद की बियर्स होती हैं और काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ की एक बहुत फेमस बियर है पिल्सनर अर्कल, वो मैंने पिछली बार ट्राई करी थी, इस बार भी शायद ट्राई कर लेंगे। ऐसे आर्ट वर्क दिख जाते हैं हर जगह। यहाँ पे ट्रैम भी है, इनकी खुद की ट्रैम, मेट्रो, और इनकी लैंग्वेज मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आती, स्लाविक लैंग्वेजेस में से है और मेरे को कोई आइडिया नहीं है। और यार ये चेकोस्लोवाकिया का पार्ट ही था, फिर बंटवारा हुआ था तो चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया बन गया था, आप लोगों को पता ही होगा। चलते हैं भाई, मेन स्क्वायर आ गया। यार आप ये देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी ओल्ड फैशन सी ट्रैम है, यहाँ पे नई वाली भी है पुरानी वाली भी है, सेम बुडापेस्ट में होती हैं, सेम होती हैं, बस कलर डिफरेंट होता है। ओ भाई ट्रैक्टर लेकर आ गए, काफ़ी हेवी ड्राइवर लग रहे हैं। ओजोर वेजेद ए वेजेद वोजिदेल स्टाव भी, इसका क्या मीनिंग है कुछ आइडिया नहीं है भाई, मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्या लिखा है। ये वार्निंग साइन है शायद, पता नहीं, नो आइडिया क्या लिखा है। और यहाँ पे लोग वॉक पार्क है, वॉक रन करने आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल पार्क से यार अपने यूरोप में और प्राग में भी। मेरे को याद है पिछली बार भी जैसी मैं, क्योंकि मेरा पहली बार था यूरोप में और यहाँ के पार्क्स आके मैंने देखे थे, मैंने कहा भाई क्या बढ़िया पार्क्स हैं यहाँ पे। यूरोप में आपको हर जगह बहुत अच्छे पार्क्स मिलेंगे। यार यूरोप में ना प्राग को वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल और बेस्ट सिटीज़ माना जाता है। हालांकि काफ़ी आर्टिकल्स में भी छका है इस प्राग द मोस्ट लिवेबल सिटी, बट अभी लिवेबल सिटी सबसे ज़्यादा वियना को माना जाता है यूरोप में। वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया का, कैपिटल है, हाँ वियना शायद कैपिटल है ऑस्ट्रिया का। और ये प्राग है, प्राग मेरे को तभी बहुत पसंद है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, चेक लोग बहुत बढ़िया होते हैं, और प्राग अपने आप में बहुत ही अच्छी सिटी है। और यार ये कुछ हैं एक्सचेंज ऑफिसेस जहाँ पे आप यूरो के बदले चेक क्राउन या चेक क्रोना आप ले सकते हो। और यार मैं ये बताना चाहूँगा, प्राग में ना काफ़ी स्कैम्स होते हैं इसको लेके, एक्सचेंज रेट कुछ और बताएंगे आपको कुछ और दे देंगे, तो इसका ध्यान रखना। ये वाला काफ़ी रेप्यूटेड है, मैंने ऑनलाइन चेक करा तो इसके रिव्यूज़ अच्छे थे। ऑनलाइन गूगल मैप्स पे करेंसी एक्सचेंज डाल दो और अच्छा वाला आ जाता है,
फिर एक्सचेंज करा लो। मैं 15-20 यूरो एक्सचेंज करा लूँगा आज के लिए, ये करा सकते हो। यार यहाँ के ना हर रीजन की अपनी अल्कोहल होती है, जैसे यहाँ पे ये हो गई फ्रेंच, अब मेरे को ऐसे पता नहीं चल रही, जेमेसन तो हो गई अपनी आयरलैंड की है शायद, बेचरूफ का हो गई अपनी हंगरी की, बेलवेडेयर हो गई अपनी पोलैंड की, इनकी हर जगह अपनी अपनी होती है, ऐसे सुवेनियर्स भी बने हुए होते हैं जो आप ले सकते हो। यह तो मेरे पीछे जो देख रहे हो ये पूरा प्राग का ओल्ड टाउन है, ओल्ड टाउन स्क्वायर है यहाँ पे। यहाँ पे एक क्लॉक है, एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, जो पिछली बार जब मैं आया था वो अंडर रिपेयर थी, वो है इस साइड पे, आपको दिख जाएगी। और मेरे सामने ओल्ड टाउन, ये पूरा ओल्ड टाउन स्क्वायर है इसका। यार इधर ना खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे क्या है, ये मीट को बारबेक्यू कर रहे हैं शायद। इनकी चेक डिशेज हैं यहाँ पे कुछ कुछ, जो मैं बाद में ट्राई करूँगा। ये वाला पार्ट बहुत टूरिस्टिक है, यहाँ पे प्राइसेस हाई होते हैं, और बियर पी रहे हैं सब लोग, सब बियर पीते हैं यहाँ पे। चेक रिपब्लिक में बियर तो बहुत पॉपुलर है, और यहाँ पे भी हैम सॉसेज, इनका यही खाना होता है यार यूरोपियंस का, हैम सॉसेज ब्रेड ये सब सब मिल जाएंगे आपको, बट यहाँ से मत ख़रीदना, ये टूरिस्टिक वाली जगह है। आप यहाँ से 5 या 10 मिनट वॉक करके जाओगे ना तो आपको बहुत सस्ता खाना मिल जाएगा। ये लोग, ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए होता है, जिनको पता नहीं होता ना उनके लिए ये। आप यहाँ से 5 या 10 मिनट वॉक करके जाओगे, आपको आइसक्रीम, पैनकेक्स, इनकी जो भी ट्रेडिशनल डिशेस होती हैं सारी वो आपको मिल जाएंगी, बहुत सस्ते में मिल जाएंगी। यहाँ पे सब कुछ महंगा होता है, इस टाउन स्क्वायर में कुछ मत खरीदना, सब कुछ महंगा होता है यहाँ पे। यार ये एक चेक रेस्टोरेंट के बाहर हूँ, इसका नाम है हलेवस्का कुरलुलना, और यहाँ पे ना सारी डिशेस दिखाई गई हैं। यार ये ना गुलाश है, ये ओरिजिनली हंगेरियन डिश है बट ये चेक रिपब्लिक में बहुत फेमस है। ये गुलाश है, मीट से बना होता है, और ये ब्रेड की डम्पलिंग्स है, खाते हैं भाई। ये चेक डिश मान सकते हो बट ये हंगेरियन डिश है, ओरिजिनली हंगेरियन डिश है। यार सच बोलो तो पूरी बटर चिकन वाली फील है इसमें, ऐसा लग रहा है मैं इंडिया में वापस आ गया हूँ, पूरा बटर चिकन जैसा टेस्ट है इसका। इसको ऐसे ब्रेड का खाओ, काफ़ी सही है भाई। और ये था 5 यूरो का शायद, मेरे हिसाब से ठीक है। यार पीछे मेरे देख रहे हो, एक कैनबस शॉप है, और यहाँ पे ना कैनबस और कैनबस रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जहाँ तक मेरे को पता है कि ये लीगल नहीं है, बट ये वाले प्रोडक्ट्स लीगल है शायद, इसमें एक कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ CBD एंड THC होता है, तो ये बिकते हैं यहाँ पे। बिस्किट्स मिल जाते हैं आपको, चॉकलेट्स, बियर, कैनबस बियर मतलब मैरावाना की बियर, और आपको एनर्जी ड्रिंक मिल जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने लास्ट टाइम भी देखा था ये, हालांकि ट्राई करने का कोई शौक नहीं है बट ये देखा था, अगर आप करना चाहते तो कर सकते हो भाई। ये वाली आइसक्रीम भी है ना जो यहाँ पे दे रहे हैं, ये भी यार ये हंगेरियन है, ये एक्चुअली चेक नहीं है, ये हंगेरियन डिश है जो यहाँ पे चेक रिपब्लिक में बेचते हैं। इनकी आई थिंक कॉन्ट्रोवर्शियल डिश है इनकी एक, कि यहाँ पे जाओगे तो बोलेंगे चेक रिपब्लिक की है, और वहाँ पे ख़रीदोगे तो कहेंगे कि हंगरी की है, ऐसा कुछ है। यार ये है पूरा चार्ल्स ब्रिज प्राग का, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शंस हियर। यहाँ पे मेरे को याद है दो चीज़ें हुई थी मेरे साथ 2018 में, एक तो भाई यहाँ पे ना वो सांप वाँप लेके घूमते रहते हैं अपने गले पे डाल के, और पैसे चार्ज करते हैं लोगों को दिलवाने के लिए, भाई मेरे को वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी, सांप एक चीज़ है जो मैं टॉलोरेट बिल्कुल नहीं कर सकता। और दूसरा यहाँ पे वो गेम खेलते हैं वो वाली टिक टैक वाली, जो उठाओ और अगर उसके नीचे वो सर्कल वाली चीज़ हो तो फिर आप पैसे जीत जाते हो, बट आप कभी जीतते नहीं हो, वो पूरा स्कैम होता है। मैंने याद है मेरे को 5 यूरो हारे थे पिछली बार, 5 यूरो हार गया था मैं, मेरे को अभी भी याद है। आके आप पूछोगे कि क्या कर सकते हो, भाई आप अपने फ़ोटोग्राफ्स खिंचवा सकते हो, मैंने खिंचवाई है कोई, जाके ज़रा आपसे दरख्वास्त है, आप जाके चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, भाई होंगी मेरे इंस्टाग्राम पे। और यहाँ पे अपनी आप पेंटिंग बनवा सकते हो,
जैसे आगे भाईजान बना रहे हैं, सही है, अच्छा है भाई। यहाँ पे भी मिथ बना हुआ है कि इसको टच करते हो ना तो इससे गुड लक आता है। कर लेते हैं भाई, हो सकता है गुड लक आ जाए। वो कुत्ते को टच करोगे और यहाँ पे टच करोगे इसको, तो हो सकता है गुड लक आ जाए। देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। ये बहुत जगहों में आपको यूरोप में दिख जाएगा ये वाला इंस्ट्रूमेंट चलाते हुए। यार आप पूछोगे इस ट्रिप का गोल क्या है, इस ट्रिप का बड़ा गोल क्या है भाई? ब्लॉग करना तो गोल ठीक है, मेरा ट्रैवल गोल क्या है इस ट्रिप पे? इस ट्रिप पे भाई हमने पहले तो हमने बाल्टिक नेशंस करे तीनों, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, पोलैंड कर लिया, बीच में जर्मनी कर लिया। मेरा यहाँ से प्लान है दैट आई अटेम्प्ट टू डू बर्लिन टू बाकू। ये मेरा राउट होगा बर्लिन टू बाकू। यहाँ से जो भी कंट्रीज़ क्रॉस होंगी जैसे जर्मनी, चेक रिपब्लिक और कौन सी होगी, नेक्स्ट जा रहा हूँ स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, बॉल्कन्स वाली कंट्रीज़, फिर रोमेनिया, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान। ये राउट होगा मेरा अगले 3 महीने के लिए, ऑलमोस्ट 3 महीने, 2.5 से 3 महीने मेरा ये वाला राउट होगा। ये मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ और बने रहो भाई, ये जर्नी बहुत लंबी होगी, बहुत कंट्रीज़ बीच में आएंगी और कुल मिला के मैं इस ट्रिप पे कवर करूँगा करीबन 12 से 14 हज़ार किलोमीटर। तो बहुत सही जर्नी होने वाली है, उसमें से 2 या 3 हज़ार किलोमीटर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो देखते हैं बाकी के 10 से 11 हज़ार किलोमीटर कैसे जाते हैं। ये किसकी चीज़ खो गई है, क्या हो गया भाई, कहाँ जाना चाहता है? अरे यहीं का है या कहीं और का है? जर्मनी का है, चेक रिपब्लिक का है। भाई ये है लेनिन वॉल, विच इज़ नेम्ड आफ्टर दी जॉन लेनिन, जो म्यूजिशियन थे। काफ़ी इम्प्रेसिव बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क है यहाँ पे। यार ट्रैवल भी ना लक का गेम है, कभी कभार तो आपके बहुत लोग होंगे, कभी कभार कोई नहीं होगा। भाई किससे बात करो, कैमरा के अंदर ही बात कर सकते हो। अभी मैं ऊपर जा रहा था, थक गया थोड़ा, सोचा एक झपकी ले लेते हैं। काफ़ी सही लग रहा है यहाँ पे, थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय बाय। यार चेक बियर्स ना काफ़ी फेमस हैं तो मैं एक चेक बियर पी रहा हूँ। थैंक यू सो मच। यू से नाज़द्रवी। चाओ। एंड दिस इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट व्यू यू कैन गेट ऑफ प्राग सिटी, प्राग कासल से पूरी सिटी का व्यू दिखता है यार, एब्सोल्युटली अमेजिंग। यार यूरोप में आपको कुछ मिले ना मिले, स्टारबक्स ज़रूर मिल जाएगा, स्टारबक्स हर जगह मिल जाएगा। और मैं कभी स्टारबक्स पीता नहीं हूँ, इतनी महंगी कॉफ़ी कौन लेगा भाई, 5-6 यूरो की कॉफ़ी हम जैसे देसियों को सूट नहीं करती। तो हम लोग बस जाके बाहर फ्री वाईफाई यूज़ कर लेते हैं। जान की आवाम पाऊँ तो अर्ज़ किया है कि भाई प्राग अभी तक की मेरी फेवरेट सिटी होगी यूरोप में, जहाँ तक मैं गया हूँ। शायद इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज काफ़ी बड़ा क्लैश है बूडापेस्ट और प्राग में। बूडापेस्ट मेरी फेवरेट सिटी थी अभी तक, बट अभी प्राग में हो तो प्राग की तारीफ़ करते हैं। बूडापेस्ट हंगरी जाएंगे तो वहाँ के बन जाएंगे, कोई बात नहीं, बन जा रहे तो वैसे ही हैं भाई। क्या है, रात को बच्चों को डराने के लिए रखा है क्या ये? मैं खुद डर गया अभी सुबह के दिन दहाड़े, ये क्या है?
भाई कल के नाश्ते के लिए कुछ शॉपिंग हो रही है, और जैसे प्राग में कहते हैं ना, बियर इज चीपर देन वाटर, ये सच है भाई। पानी देख लो 22 का ऑलमोस्ट 1 यूरो का, और बियर का प्राइस देख लो ऑलमोस्ट सेम भाई। बियर सस्ती है, 16 की बियर है, और पानी है 21 का। बियर एक्चुअली सस्ती है पानी से। Que lo van a enterrar en la catedral de San Vito, en una tumba que tiene 2 toneladas.